हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहीं उसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? पूरे देश में जो कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, वो एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करें। मैं आज यहां इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं कि भाजपा की हरियाणा सरकार एमएसपी दामों पर 24 फसलें खरीद रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कांग्रेस पर निशाना साधा, सुनिए। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रवि का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं, पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसान को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहीं एमएसजी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुनाव पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि सदन की बैठक बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। उपराज्यपाल या कमिश्नर सदन की बैठक को नहीं बुला सकते और जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगे। कल को तो ये लोग लोकसभा की अध्यक्षता गृह सचिव से करवा लेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भी मैं आतिशी जी के साथ डीयू में गया था, वहाँ पे भी सड़क टूटी हुई थी और आज इस सड़क पे आए हैं। तो मैं आतिशी जी से यही निवेदन करूंगा कि पूरी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं, इन सारी सड़कों का एक तुरंत अगले 3-4 दिन में एक असेसमेंट करवा लेते हैं। अब हम अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को सड़क पे उतार के एक असेसमेंट कर लेंगे। जो जो सड़कें टूटी हुई हैं, आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना हो। मैं जेल चला गया था, इस वजह से काफी काम इन लोगों ने रोक दिए,
लेकिन जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं, जितने रुके हुए काम थे सारे काम अब दोबारा चालू करेंगे। चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे, कल भी रात में मैं आश्चर्यचकित हूं कि आज देखिए एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है। वही खबर भोपाल से है, जहां दिग्विजय सिंह के खाद पर आरोप लगाने वाले बयान पर किसान एवं कृषि कल्याण मंत्री इंदल सिंह कसाना का बयान सामने आया है। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह के सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि खाद में कालाबाजारी कहीं नहीं हो रही है, यदि प्रदेश में कालाबाजारी हुई तो दिग्विजय इसका सबूत दे। सरकारी एजेंसी ही खाद से संबंधित काम कर रही है, किसानों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। देखिए माननीय दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाया है निराधार है, कोई खाद में कालाबाजारी नहीं हो रही, और उनको अगर पार्टिकुलर कहीं कोई कालाबाजारी दिख रही है, उनको कोई सूचना मिली है। नमस्कार, मध्य प्रदेश में बोनी के समय हमेशा खाद की किल्लत हो जाती है। ये इसलिए हो जाती है क्योंकि इस प्रदेश की जितनी भी सहकारी समितियां थी वे अधिकांश ओवरड्यू हो गई हैं, और जो पूरे तरीके से खाद का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होता था, अब निजी क्षेत्रों में भी उसको दे दिया गया है, और वहां पर अधिकांशतः कालाबाजारी हो रही है। ये कालाबाजारी इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश का खाद्य विभाग जिस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है उस पर कोई अंकुश नहीं लगाता। खबर भोपाल से है, जहां एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार को जमकर घेरा है। वहीं कुणाल चौधरी ने कहा कि मासूम बेटियों से लगातार हो रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं से घबराहट होने लगी है। आपको बता दें कि आज बेटी पढ़ाओ नहीं, आज बेटी बचाओ की अधिक जरूरत है। उन्होंने भोपाल और इंदौर की घटना को प्रदेश को शर्मसार करने वाली वारदात बताया। चौधरी ने भोपाल में मासूम बच्ची की रेप और हत्या मामले में कई गंभीर सवाल उठाए। वहीं उन्होंने पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि दो दिनों तक पुलिस बच्ची को तलाशने का दिखावा करती रही। वहीं कुणाल चौधरी ने मांग करते हुए कहा कि अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाल नहीं रही है तो गृह मंत्री और डीजीपी को देना चाहिए इस्तीफा। वेदना होती है और दुख होता है, दर्द होता है जब रोज बेटियों के बलात्कार की घटनाएं, की हत्या की घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं। मुख्यमंत्री जी, संवेदनाएं नहीं आती, शर्म नहीं आती? गृह मंत्री जी, क्या मध्य प्रदेश के हालात बना दिए? और डीजीपी साहब, क्या सिर्फ पुलिस प्रशासन गुलामी करेगा? वो मासूम बच्ची जिसकी हत्या कर दी गई बलात्कार के बाद, वही 8 फीट दूर पे उसको रखा गया, पुलिस प्रशासन कुत्तों के दिखावे का काम करने लगी? पुलिस के डॉग्स करते क्या है? पुलिस हर बार बातें करती, जब भी कांड होता है, पहले शक्ति कांड हुआ था, कहा था कि हर अपराधी का रिकॉर्ड, हर किराएदार का रिकॉर्ड पुलिस रखेगी। क्या उस अपराधी का रिकॉर्ड पुलिस को नहीं मालूम था कि वो आदतन अपराधी था, छेड़छाड़ की घटनाएं उसके ऊपर थी, और 3 दिन सिर्फ दिखावा करने का काम कर रही है पुलिस? इंदौर के अंदर घटना होती है, इंदौर में एक मासूम के साथ जिस तरह की हरकत करी जाती है एक प्रतिष्ठित स्कूल में, और उस स्कूल को बचाने के लिए शासन प्रशासन साथ देता है। पुलिस के पास परिवार जाता तो शिकायत लिखाएगी, तब हम कार्रवाई करेंगे। ये आपको लॉ नहीं मालूम है कि अगर बच्चियों के साथ कुछ भी होता तो पहली जिसको इंफॉर्मेशन है उसके खिलाफ, अगर उसने कार्रवाई नहीं करी तो उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। क्या पुलिस के ऊपर केस दर्ज होगा? गृहमंत्री जी कर क्या रहे, मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे? आप वहां पे प्रचार प्रसार अभियान में व्यस्त हैं, वहां पे बड़ी बड़ी डींगे हांगने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री नेता सब सदस्य अभियान के अंदर लगे हुए हैं, और मध्य प्रदेश की बेटियों को नोचने का काम दरिंदे कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन आपकी गुलामी कर रहा है। शर्म करो डीजीपी साहब।
खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां सासाराम के परिसदन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बिहार के सभी जिलों में घूमकर एनडीए की मजबूती को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बने। वहीं बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट के मामले में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की जो कार्रवाई को बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। बिहार के लोग बंगाल जाएंगे और बंगाल के लोग बिहार आएंगे, इस तरह की घटना की कोई भी स्वीकृति नहीं दी जाएगी। वहां के मुख्यमंत्री को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कि इस तरह की कार्रवाई को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। बिहार के लोग बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग बिहार आएंगे, तो यह कहीं से इस तरह की घटना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, करें, और इस तरह की स्थिति बनाएं कि आगे ऐसी कोई घटना किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य के लोगों के साथ न हो। वहीं देवरिया थाना क्षेत्र की नेकनामपुर पंचायत के सरकारी विश्वविद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका की आपत्तिजनक गतिविधि के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार छात्र संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि रविवार को विद्यालय बंद रहता है, उसी दिन एक शिक्षक और शिक्षिका को आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया। मौके पर बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि घटना केवल शर्मिंदगी भरी है, बल्कि ये शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता को भी कम करती है। स्कूल में अगर इस तरह की गतिविधि होंगी तो छात्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी का जो मामला आया है, देवरिया थाना क्षेत्र का जो मामला है निकनामपुर पंचायत का, उसमें रविवार के दिन एक शिक्षक और शिक्षिका को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, ग्रामीणों के द्वारा पकड़ करके उनको जो है थाना के हवाले कर दिया गया और थाना अध्यक्ष महोदय जो है बॉन्ड बना करके उसको छोड़ देने का काम कर रहे हैं। बताइए कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का घिनौना कृत्य हो रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा बिहार कहाँ जा रहा है, और इस पर सुनने वाला कोई नहीं है, कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। ये लोग शिक्षा को जो है शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हम लोग मिले हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से, इनको मामला से अवगत कराए हैं, अभी तक इनको मामला भी नहीं मालूम है। बिहार थाना क्षेत्र के राजाकुआ गांव में करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार को राजाकुआ गांव के समीप शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। आपको बता दें कि सड़क जाम के कारण इस मार्ग पर चलने वाली दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मृतक नरेश प्रसाद गुरुवार की शाम मवेशी का चारा लाने के लिए खेत पर जा रहे थे, इसी दौरान पूर्व से गिरे हुए जर्जर तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर तार को बदलने के लिए कई बार विभाग को आवेदन दे चुके हैं, मगर विभाग द्वारा तार को अभी तक नहीं बदलवाया जा सका है। बिजली का तार गिरा हुआ था, अब देखा नहीं, उस पर अचानक उसी पर पैर पड़ गया। तो मैंने कब से तार गिरा हुआ था? ये तार 5 दिन से गिरा हुआ है। बिजली विभाग को बोले नहीं थे आप? बोले थे, सूचना दिया गया है। अच्छा। लेकिन वो एकदम आज तक नहीं बना, अभी भी तार गिरा हुआ है, मरने के बाद भी तार अभी तक गिरा हुआ है। सड़क जाम कहाँ लगती है आप लोग? मृतक मर गया, इसका 2 बेटा 2 बेटी, आप कोई कमाने वाला नहीं है, छोटा छोटा है। जो आकस्मिक इस तरह का घटना घटा है, ये बिजली डिपार्टमेंट के लापरवाही के कारण हुआ है, तो इनको जो मुआवजा है, जो इनका आर्थिक मदद है, वो तत्काल दिया जाए और किया जाए। वहां से जो लाइन जितना जो गया है इधर, उस लाइन को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि मैं एक साल से मैं एसडीओ साहब बिजली डिपार्टमेंट को मैं बोल रहा था, तो बीच में अभी 2-3 महीना पहले 3-4 गो पोल खड़ा किए थे बीच में, जहां जहां लूज था। लापरवाही किसका है? ये बिजली डिपार्टमेंट का।
नवादा नगर भवन में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव का दीप जलाकर शुभारंभ किया। उसके बाद जिलाधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि युवा खेल महोत्सव पर जिले के सभी प्रतिभागी युवाओं को कला में अच्छे प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, जिनका चयन किया जाएगा, फिर उन्हें राज्य स्तर के लिए भेज दिया जाएगा। युवा महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें कि जो हमारे जिले के जितने भी प्रतिभागी हैं वो अपने कला कौशल का प्रदर्शन करेंगे और जो यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे यानी प्रथम स्थान पाएंगे उनको राज्य स्तर पर भी हम लोग मौका अवसर देंगे कि अपने कला का प्रदर्शन करें। जिला वही नवादा जिले के नादरीगंज प्रखंड के कहुआरा गांव के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में देखा जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा पुलिस के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जब वायरल वीडियो की पुष्टि नादरीगंज के थाना प्रभारी गिरीश प्रसाद के द्वारा की गई है, बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो सोमवार का है, जहां 112 डायल की पुलिस टीम पर कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिसकी पहचान भी कर ली गई है। दो लोगों पर FIR दर्ज करते हुए अज्ञात को भी आरोपित बनाया गया है। आपको बताते चले कि 112 की पुलिस की गाड़ी जा रही थी, तभी कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को गाली दी गई, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी रोककर बदमाशों से कहा कि आप लोगों ने गाली क्यों दी। इस दौरान बात बढ़ गई और फिर 112 की पुलिस ड्राइवर पर एक युवक के द्वारा थप्पड़ मार दिया जाता है और इसी दौरान दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो जाती है और बवाल खड़ा हो जाता है। खबर अलीगढ़ से है, जो जिलाधिकारी विशाख एवं SSP संजीव सुमन ने रामलीला और रावण दहन स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि रामलीला और नुमाइश मैदान रावण दहन स्थल के निरीक्षण में कमियां मिलने पर जल्द दुरुस्त करने के जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि रामलीला मैदान में 26 सितंबर से आरंभ रामलीला 12 अक्टूबर तक चलेगी। रामलीला आयोजन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नगर निगम की टीम भी जिलाधिकारी के साथ मौजूद रही। थाना गांधी पार्क और बन्ना देवी क्षेत्र की रामलीला मैदान में निरीक्षण किया गया। रामलीला की तैयारी को लेकर के आयोजकों के साथ और स्थानीय स्तर के आयोजन हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और नगर निगम की टीम के साथ आज रामलीला मंच का भी और उसके बाद रावण दहन जो नुमाइश मैदान में होता है उसका भी निरीक्षण किया गया और आयोजकों के द्वारा पूरे कार्यक्रम के बारे में भी बताया गया है और सारी तैयारियां रहेगी पुलिस प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया गया है कि समयबद्ध रूप में इस आयोजन के संबंध में समस्त तैयारियां सुनिश्चित। रामलीला राजधानी पटना से सटे बेहटा की सोन नदी घाट पर कल जीतिया पर्व पर नहाने के दौरान महिला एवं 3 बच्ची डूब गई, जहां डूबे 4 में से 3 के शव को SDRF और स्थानीय पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं शव बरामद होने के बाद मृतकों की पहचान कर ली गई है। वहीं चौथे की शव की तलाश है अभी जारी है। इधर इस तरफ की घटना होने के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इधर मृतक महिला ललिता देवी के परिजन विकास कुमार ने बताया कि कल शाम को जीतिया पर्व को लेकर गाँव के लोग सोन नदी में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान हल खोरिया चक गांव के 3 बच्चियां सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने लगी। इसी दौरान मेरी मां ललिता देवी बचाने के लिए गई, लेकिन सोन नदी में पानी के तेज बहाव के चलते चारों ही पानी के तेज बहाव में डूब गए। 5 बजे गए था किस चीज में? अच्छा, ठीक ना, दो चार लड़की डूबा था गांव के बगल में, हरखोरिया चक। मेरा हमारे चाचानी डूब गया बचाने में। हाँ, लास्ट कब मिला है? लास्ट मिला है वही 10 बज के वही सुबह में। और कितने लोग, टोटल कितना लोग डूबा था? चार गो। चारों में से कितना लोग अभी मिला है? तीन अंधी, एक कम। अच्छा, इनका इनका जैसे आपके चाचा की कब हुआ था मौत? 2011 में चाचा। ये कितने बच्चे हैं? 3 गो, एक बच्ची है, 2 गो लड़का है। सोन नदी में जुटिया करी थी, नहाने गई, 3 बच्ची डूब रही थी, उसी बच्ची के बचाने में इसका घटना भी हो गया। क्या नाम है जो डूब गई हैं? ललिता देवी। कौन लगती हैं आपके भौजाई हैं? तो अच्छा, इनके बेटी की शादी कब हुआ था? शादी हुआ था 21 में।
बेटा का हुआ था 22 में। वहीं बिहार पुलिस हमेशा सुर्खियों में रहती है, कोई भी मामला दर्ज करने में लेट लतीफी करती रहती है। हल्ला हंगामा होने के बाद 0 FIR दर्ज कर जांच शुरू की जाती है। आपको बता दें कि तब तक मामला काफी बिगड़ जाता है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के भीकनपुरा निवासी ईट भट्टा कारोबारी का पुत्र नमन कुमार पिछले 6 दिनों से लापता है। वह अपनी कार से रांची निवासी दोस्त वैभव के बुलाने पर बेगूसराय के लिए निकला था। उसके बाद से नमन का कोई अता पता नहीं है। परिजन FIR दर्ज कराने के लिए सदर थाना गए तो पुलिस पदाधिकारियों ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया और वापस लौटने के लिए कहा। परिजनों ने घटना के बाद से ही सदर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए काफी चक्कर काटे। वहीं परिजन सदर थाना पहुंचकर पुलिस से FIR दर्ज करने की गुहार लगाते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। अंततः पुलिस की हीला हवाली से आक्रोशित परिजनों ने दर्जनों की संख्या में बैनर लेकर SSP कार्यालय में जोरदारी के साथ प्रदर्शन किया। जो सदर थाना क्षेत्र में है, एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसके अंतर्गत जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तारीख को घर से निकला था और उसके बाद जो उस अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद वो लौटा नहीं है। उसके बाद इनके परिजनों का कहना है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के जो द्वारा है इसके ऊपर जो है हत्या का और ये अपने नदी में डुबो के जो इस टाइप का आवेदन उन्होंने दिया है जिस पे वो अपना प्राथमिकी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जिस पे थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उस संबंध में जो तथ्य सामने आया वो ये है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगले दिन जो है जो उसके दिन है मुंगेर जिला अंतर्गत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नहाने के लिए निकले थे जो जिसमें एक लड़के का परिवार भी था। उसी दरमियान जो है अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यह है कि दो लड़के जो है नदी में जो है उनका डूबने का जो बात आया उसके बाद जो है एक लड़का वहां बच गया और दूसरे एक लड़के का फिर पता नहीं चला। बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे मेरा यही मानना है कि FIR यहां से फाइल हो और इंट्रोगेशन में यहीं के हो यहीं के गायब है उसको लापता किया गया उसको यहीं से लापता किया गया विशाल और उसकी मम्मी ने गायब किया है वीणा देवी ने। क्यों गायब किया, रीजन क्या हो सकता है आप लोग के अनुसार? वो ब्लैक मैजिक एक्शन करती थी उसको गायब होने के लिए पहले उसको तांत्रिक के पास लेकर गई थी। उस बाबा की फोटो भी है मेरे फोन में। उसके बाद नमन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद नमन से हमने जी मामला है कि हमारा बच्चा लापता है, नहीं मिल रहा है, वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। थाना को हम लोग आए हैं करने के लिए, कोई थाना हमारा सुनवाई नहीं ले रहा, बोल रहा है कि हम ऊपर से हम लोग को आदेश है कि आपका यहाँ तो प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाए। हम लोग है तो परसों भी है तो 5-6 घंटा भर दिन है तो रहे, बोला कि ठीक है आवेदन दे दीजिए, सर आ रहे हैं सर जा रहे हैं। कब निकला था नमन? कब? 21 तारीख को निकला यहाँ से लेकर के पूरा मुंगेर के सोजी घाट से लेके बहुआ घाट सब में हम लोग है। तो वहाँ बोला गया उसकी माता जो जिस बच्चे की माता जी भी फोन की कि हाँ आओ बहुआ, तो गया यहाँ दोस्त के साथ गया। अब बोला गया कि वो नदी में बह गया है, डूब गया है, क्या हुआ उसके साथ, पूरा नदी हम लोग छान मारा लेकिन बच्चा हमारा नहीं मिला। खबर भागलपुर से है जहां भीटू मॉल के बेसमेंट में चल रही सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर भीटू मॉल के संचालक सहित दो युवक दो युवती को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि मामला भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित आसंद पुर चौक के समीप भीटू मॉल का बताया जा रहा है, जहां विगत कई महीनों से भीटू मॉल के संचालक दिलीप कुमार की मिलीभगत से भीटू मॉल के बेसमेंट स्थित कैबिन में लड़कियों का बड़ा खेल होता था, जिसकी गुप्त सूचना पर तातारपुर प्रशिक्षु DSP रीता कुमारी ने अपने पुलिस दल बल के साथ छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान आपत्तिजनक स्थिति में दो युवतियों के साथ दो युवक अमर और राहुल कुमार को मौका पाते ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सेक्स रैकेट में शामिल भीटू मॉल के संचालक दिलीप कुमार को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। 25/9/24 को तातारपुर थाना अधीक्षक को एक सूचना मिली थी, उसमें आशानंदपुर चौक के पास एक स्थित V2 मॉल उसके बेसमेंट में कुछ लड़का लड़कियों के द्वारा अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना प्राप्त करके पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्षक तातारपुर इस
सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु शस्त्र बल के साथ V2 मॉल के बेसमेंट को चकमारी किया गया है। ये चकमारी के दौरान V2 मॉल के बेसमेंट में कमरा नंबर 1 एवं कैबिन 3, इसमें दो युवक दो युवती युवती को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है। सो पूछताछ के क्रम में यह अनैतिक देह व्यापार में उनको शामिल है। इसी क्रम में इन चारों को गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ क्रम में इसी मॉल का ओनर, उनका नाम दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने भी इस देह व्यापार में शामिल है। कुल मिलाकर 5 संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार हुआ है। इसमें इस व्यापार में यूज़ किया गया है मोबाइल 5 बरामद हुआ है। इसके अलावा टैबलेट और कॉन्डम भी इसमें बरामद हुआ है। इन्होंने व्हाट्सएप के द्वारा वो ग्रुप बना के उसमें डिस्कस करके फ़ोटो भेज के प्राइस उस बारे में डिस्कशन हो रहा था। उसमें अभी मोबाइल 5 मोबाइल बरामद करके उसमें जांच चल रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़।